गाइस, हाउ आर यू। स्वागत है आपका सीजन नेचर के मेरे इस चैनल पे। गाइस, आपको मैं आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में अपने बताने वाला हूँ जिस पे सर्दी का थोड़ा असर पड़ा है। गाइस, ये है मेरा पौधा, एक है स्पाइडर प्लांट जो अभी रिकवर हो रहा है। अभी जो है फरवरी शुरू हो चुकी है और विंटर का जो है बहुत असर पड़ता है स्पाइडर प्लांट पे, लेकिन अभी बहुत अच्छे से ही रिकवर हो रहा है। तो कुछ और पौधे भी है गाइस, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइस, स्पाइडर प्लांट को लगाते कैसे, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है। इसके अलावा गाइस, मेरा एक दूसरा पौधा जो है वो क्रोटोन्स, ये देखिए विंटर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन पर, इनके पत्ते जो है गिर जाते हैं। इवन कि ये देखिए, इसको काफ़ी बड़े बड़े पत्ते थे जो भी पूरे के पूरे गिर चुके हैं, ये देखिए। लेकिन अभी क्या है, जो स्प्रिंग शुरू हो चुका है तो बसंत ऋतु में इसको नए पत्ते भी आ जाते हैं। इसके अलावा गाइस, ये है क्रोटोन का पौधा, पत्ते गिरे नहीं लेकिन पूरी तरह से जो है मुरझा चुके हैं, अभी नए पत्ते भी आएंगे इनको। बिग लीफ येलो क्रोटोन, इसका भी सेम यही हाल है। गाइस, मेरा अगला पौधा है वो है एरोकेरिया। देखिए, पूरी सर्दियां जो है ये आउटडोर ही था, ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा जो है आप देख रहे हो हल्का ब्राउन हो चुका है जो कोहरा पड़ता है उसके कारण, बाकी पौधा बहुत बढ़िया है ये। इसके अलावा गाइस, रबड़ प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर्दी से, ये देखिए आप इसको इंडोर आउटडोर दोनों रख सकते हो, काफ़ी अच्छे से इसकी पत्तियाँ हैं देखिए। और गाइस, इसके अलावा मैंने कुछ गुलाब की कलमें लगाई थी, ये देखिए कटिंग्स, इसको काफ़ी फ़र्क पड़ता है विंटर से। इसको आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सर्दी का असर थोड़ा कम हो, आप किसी बड़े पेड़ के नीचे इसको रख सकते हो। होता क्या है कि सर्दियों में जो इनकी, ये देखिए आप, जो नमी है लगातार बनी रहती है और बहुत ज़्यादा जो है नमी रहती है, इसी कारण जो है कलमें जो कटिंग है वो एक बार तो चल पड़ती हैं फिर सूख भी जाती हैं, काफ़ी कलमें मेरी सूखी हैं यहाँ पर। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की गुलाब की कलमें लगाई है, ये आप देखिए मैंने एक ही टाइम में लगाई थी, इनको देखो कितने बड़े बड़े पत्ते आए हैं। और यहाँ पे ये देखिए अभी जो है रूट जो है, ये देखिए इनकी रूट सिस्टम जो है अभी शुरू हुई है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, काफ़ी नए पत्ते आए हैं इनमें। इसके अलावा गाइज़, ये है गुलमोहर का पौधा, ये देखिए डेलोक्सरेजिया, इसको भी काफ़ी सर्दी का असर पड़ा है इस पर, सूखा तो नहीं है लेकिन पत्तियां जो जिसकी थी वो पूरी तरह से सूख चुकी है, अभी जो है नई लीव्स भी आ जाएंगी। और ये है जकरंडा, मतलब जैसा ये पहले था वैसा तो नहीं है, सर्दी का इस पर भी असर पड़ा है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये पौधा ठीक ठाक है। अगर पास में है एक, आप देखिए ये है मैपल का पौधा, ये मैंने अमेजोन से ऑनलाइन परचेज़ किया था। वैसे सर्दियों में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, इसके पत्ते रेड कलर के होते हैं, अभी जो है इस सीज़न में फरवरी लगभग इसके नए लीव्स आने शुरू हो जाएंगे। सर्दी का इस पौधे पे काफ़ी, मतलब जो ही एग्जैक्टली है ही सर्दी वाला पौधा है, इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन इसके पत्ते जो वो गिर जाते हैं, लेकिन हमारा जो ये पौधा ही सूखेगा नहीं, लेकिन जो गर्मियों में इस पर असर पड़ सकता है, तो इसकी जो है नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। गाइस, हमारे पास गुलाब के कुछ बड़े पौधे भी हैं, ये देखिए इन पे सर्दी का कुछ असर नहीं पड़ता, बस ये होता है कि जो इनके ये रोजेज़ होते हैं, इनको जो फूल लगता है जब इस पानी गिरता रहता है या इस पे ओस पड़ती है, तो उससे जो पौधे की एज कम हो जाती है, थोड़ी जल्दी मुरझा जाता है ये पौधा। हमारे पास ये है, ये देखिए कितना अच्छा फूल है ये। तो गुलाब जो है आप देख रहे हो, तकरीबन मैंने सारे पौधे जो आउटडोर में ही रखे हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता इनको सर्दी से। गाइज, मेरे पास है पाइन का पौधा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली ये सर्दी वाला ही पौधा है जो बर्फ़ वाले इलाकों में पाया जाता है। आमतौर पर मैं इसको शिमला से लाया था इस पौधे को, और बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है ये पौधा। साइप्रस को भी सर्दी का कोई असर नहीं होता, ये भी काफ़ी बढ़िया प्लांट है। आप इसको जितना ज़्यादा ये फुल सन में रहेगा उतना ये गोल्डन कलर का होगा, अदरवाइज ये डीप ग्रीन रहेगा, ये देखिए जहाँ पर जो है सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। गाइज, इसके अलावा मेरे पास ये एक और पौधा है, इसका नाम है स्मोक बुश, इसके पत्ते ऑलमोस्ट सारे गिर चुके हैं। गाइज, इसकी कटिंग आजकल ही लगती है, तकरीबन फरवरी में आप इसकी कटिंग लगा सकते हो, फरवरी महीने चल रहा है और अभी इसके नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा गाइज, अरेका पाम को भी सर्दी का असर पड़ता है, ये देखिए आउटडोर में था ये। गाइज, अरेका पाम का ये पौधा ऑलमोस्ट मेरा सूख ही चुका है,
ये देखिए होता क्या है कि सर्दी में जो है पानी की बहुत आयत के कारण ये पौधा जो है इसकी जड़ें गलने लगती है और ये सूख जाता है, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। और ये अरेका पाम का पौधा जो मैंने इंडोर रखा था, अब देखिए बहुत ही बढ़िया है ये, इसके पत्तों पे भी कोई असर नहीं पड़ा सर्दी का। तो गाइस ये नहीं कि अगर इस पौधे को इंडोर रखें तभी ये पौधा सही रहता है, आउटडोर में भी पौधे सही रहते हैं। इवन कि आप एक साल तक इस पौधे को अच्छे से इसकी केयर करो, उसके बाद पौधे पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो मैंने इसको इंडोर रखा था और पानी भी मैंने इसको ज़्यादा नहीं दिया, मतलब लिमिट का रखा जो है, थोड़ी नम रखी, और पौधा जो है सही से सर्वाइव कर रहा है। हमने कुछ ये देखो आउटडोर में जो है पार्क के साइड में कुछ पौधे लगा रखे हैं अरेका पाम के, काफ़ी ड्राई एरिया है, हमने सिर्फ विंटर में एक ही बार इसको पानी दिया, काफ़ी बढ़िया से ये भी ग्रो कर रहे हैं। मतलब ये है कि लगभग एक दो साल के बाद आपके पौधे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता विंटर से भी, बस लगभग एक साल तक हमें इसको सही से जो है इसकी केयर करनी पड़ती है। ये काफ़ी बड़े पौधे हैं, लगभग 5-5 साल के पौधे हैं ये। और इसी के पास में है क्रोटोन का पौधा, देखिए इस पर सर्दी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन ये भी जो है लगभग 3 साल का पौधा है, इसके पत्ते बहुत ही बढ़िया है, आउटडोर में है, कुछ खास इसको फ़र्क नहीं पड़ता अब। इसके अलावा गाइस ये है बुद्धा बैम्बू, सर्दी के इस पर असर पड़ता तो है लेकिन ऐसा नहीं कि पौधा हमारा सूख जाएगा, इसकी भी पत्तियां गिर जाती है और अभी हाल ही में फरवरी से इसकी नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। गाइस ये पौधा है गुलदावरी का, ये देखिए सर्दी का इस पौधे पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जिन पर फूल लगते हैं उन पर असर पड़ता है, जो मतलब ओस पड़ती है और जो कोहरा पड़ता है तो वो फूल जो है जल्दी मुरझा जाते हैं। इवन के किसी भी फूल पे अगर पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा गिराते रहें या ओस पड़े उस पर तो जल्दी मुरझा जाता है, लेकिन पौधे पे इसका कोई असर नहीं पड़ता ज़्यादा। तो गाइस फरवरी में जो है ज़्यादातर पौधों की कटिंग का समय होता है, मैंने काफ़ी कटिंग्स लगाई है। ये नाशपाती की कलम है और ये है कॉटन वुड, इसको पॉपुलर भी बोलते हैं। तो गाइस प्लांट्स से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।